अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफिया से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, हमारा न्यू व्लॉग जो स्टार्ट हुआ है वो है 4 बजे। इस टाइम हम लोग कैंट स्टेशन की पुल पर हैं और हम लोग जा रहे हैं जी सदर। आज हमने जो है ना व्लॉग शूट करना है एम्प्रेस मार्केट का, तो वो भी आपको विजिट करवाते हैं। सनिया को भी मैं तकरीबन आलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही लेके जा रहा हूँ। सदर वैसे हम लोग गए हैं लेकिन ये एम्प्रेस मार्केट ये फर्स्ट टाइम जाएगी। चले थोड़ा सा विजिट भी करके आते हैं, रोजे का भी टाइम हो जाएगा जो है ना चर्च है। उसके अलावा ये ब्रिज पे हम लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह से जो है ना वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कैंट से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा। जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आगे का जो सफ़र है वो आपको सनिया गाइड करेगी, मैं अब चलाऊंगा बाइक और वो अपना व्लॉग शूट करेंगी। फाइनली हम लोग जो है ना एम्प्रेस मार्केट पहुँच गए। खैर पुरानी ये थी एम्प्रेस मार्केट, ठीक है जी। ये एम्प्रेस मार्केट थी, इसमें सारे परिंदे सारा कुछ इसके अंदर होता था। फिर ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी ना, फिर उसके दरमियान ये खाली हुआ है। अब इसमें जो है ना अंदर अभी भी हैं, चिकन वगैरह बीफ हर चीज़ मिलती है, लेकिन बाहर ख़त्म हो गया। वरना बाहर भी ये ठेले लगे होते थे, सारा कुछ होता था। तो जो है ना संडे और सैटरडे कल इधर यहाँ बहुत रश होगा, क्योंकि डॉग बिल्लियाँ और जो है ना मुर्गे यहाँ लोग सेल करने आते हैं, कल यहाँ रश होगा। तो किसी दिन हम लोग संडे वाले दिन भी आएंगे अंदर। चलो तो मैं जो है ना उसका विजिट करवाता हूँ परिंदों का। बत्तख के बच्चे हैं, बहुत डक जी से बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? इसका नहीं पता, ये वाइट मुर्गा है पर वाला। बहुत सारी पे लड़ाई में पीछे मोर है। ये इधर ये डॉग है, ये डॉग है, कुत्ते हैं। ये देखो ब्लैक कलर में भी कैट है, बहुत। ये डॉग देखो कितना प्यार है, ये भी कैट बैठी है। इधर तो मैं शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग के बच्चे हैं जो हम लोग उकाड़ा गए थे, बहुत बड़े बड़े थे जिनके साथ मैं खड़ा था। ये इसका छोटा भाई, ये अभी भी ये भाई इसकी क्या प्राइस है? छोड़ा है 80,000 से छोड़ा है। और ये इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ये शायद कोई माउस वही पड़ी है, ये बटेरा इसके अंडे भी आए हुए हैं। मजे से सोया पड़ा है, ये भी नीचे वाला बड़े मजे से ये अंडे दिए हुए हैं। मैंने ये तोते पहली दफा देखा, मैं भी पहली दफा देखा हूँ इस कलर में। जाली पड़ा, जाली पड़ा। ये व्हाइट और ब्लैक कैट है। आप यहाँ रह रहे हो, आपकी लाइन यहाँ का उठा देंगे। ये जो मुर्गा है ये दिलबर को बहुत पसंद आया, इसके साथ मैचिंग हो गई है। नहीं, ये महंगा भी होगा। ऊपर क्या है कबूतर यार, इसकी क्या कीमत है भाई? ये इनका खाना पीना रखा हुआ है, इनके बहुत प्यारे केज है माशाल्लाह से। आप ये चिड़िया क्या करें? ये तो ये देखें जी, मोर वगैरह, ये बिल्लियां बिठाई हुई है। पड़ी है गर्दन देखो, आप इसको क्या करिए माशाल्लाह जी, हर चीज 15,000 रुपये जोड़ी है। ये हाँ 15,000 की जोड़ी है। ये कितने प्यारे हैं, ये तो बच्चे हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये वाली नस्ल इतना हो जाती है ना, 10-12 हो तो वो हो। ये मुर्गा देखो उसके बाल सख्त है, वो देखो उसके करते हुए हेयर स्टाइल खराब हो गया। हेयर स्टाइल का है ये मोर है।
सामने कैट है, एक सामने ये जोड़ा बैठा माशा, बहुत प्यार है। ये इधर भी बैठे हैं, वो आवाजें दे रहे हैं कि हम भी हैं। ये देखो आप, ये डॉगी चेक करें, डर लग रहा है इसे देखकर, इसकी मुझे लगता है केयर नहीं करते। केयर करते हैं यार, वो भी बैठा हुआ है। आप इनको चेक करें, मस्तियां कर रहे हैं। ये देखो क्या ये बोल रहे हैं सबसे, ये बोला ये भी बंदर मिल गया बात ही नहीं कर रहा, नाराज हो तो टाइम नहीं, इसकी बात नहीं आना, शॉर्ट आउट बाद में करूंगा। इसकी मस्तियां चेक करें, ये ज़ईफ है, सरबरा है ये इनका, ये बैठा पड़ा था जोड़ा जोड़ा है दोनों का। कौन से नस्ल है ये? एशियन। ये फेस चेक करें मास्टर, ये देखते हैं कि हाथ सब यहाँ पे इसी तरह के हैं। ये कैसे कितना प्यारी है, ये कितना प्यारी है। हाँ ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, नाखून मार लिया, गुस्से मार रहा है वो, दूसरी इधर देखो ये भी ट्राई कर रहे हैं मारने की, इसकी आंखें भी बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी, ये वाली जो माऊ मैंने मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसे गुस्सा आ गया है, ये तो सेम वही है, इसे लगता रोजा लगा हुआ थोड़ा बड़ा। चलें जी, एक बंदर रह गया था वो भी मैंने, ये भी कोई रिश्तेदार लगता है, अल्लाह माफ करे। भाई साहब, भाई यहाँ बहुत महंगे अलावा ये कैट वगैरह भी हैं, ये देखो मजे से नवाब साहब सोया हुआ है। तुम हो भाई, एक ये देख लो, एक मिनट देखा, अरे एक ये, वाह तुम्हारा बिछड़ा हुआ साथी मिल गया, एक मिनट बिछड़ा हुआ साथी है, इधर खड़ी हो, एक मिनट खड़ी हो, इधर देखो ये दोनों भाई बिछड़े हुए, कुमकुम के मेले में ना बिछड़ गए थे, दोनों बहन भाई हैं, है ना, नहीं ये इनका भाई साहब है। सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे भाई, ये 7 लाख का जोड़ा है दो, और ये 4 लाख का अकेला है, ठीक है, समझो आप एक आल्टो गाड़ी जो है ना 2003-04 मॉडल ले ले हो। और ये अकेला कितने का है भाई? ये इसका कजन है। और ये इनका मालिक है भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और दिल वाला बंदा है, वरना शॉप पे नॉर्मल जानो ब्लॉग नहीं बनाते थे, लेकिन ये बहुत नाइस बंदा है, जिसने हमें मतलब ये भी बताया आराम से ब्लॉग शूट करो। हाँ ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये वाला, ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, ये इसको देखो ये कितना प्यारा है, ठीक है, ये भी ऊपर ग्रीन तो थे, और ये डक देखो, वाह जी वाह वाह, सारी भाई ये देखो उधर वो पड़ी है, बहुत बड़ी है उनके लिए, देखो ये देखो भाई, ओ भाई साहब, ये कलर, ओ भाई साहब, ये तो ये कलर ही डिफरेंट है, ये आंखें कितनी प्यारी, ये तो वो ना वो डॉग की तरह, आंखें कितनी प्यारी, इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ये भी कितना, ₹2 लाख का बोला है, ये बड़ा भी होगा या बड़े, 2 लाख में सेल हुआ माशाल्लाह, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, वो खड़ी होती है, ये भी तो होता है, वो क्लीन वाले का काम चेक करें, ये भी तो होते बैठे हैं, वो भी तो होते बैठे हैं, माशाल्लाह यार तो बहुत होता है, ये बहुत क्या है, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ईद आ रही है तो ये तो 24 घंटे ये यहाँ होते हैं हर वक्त, दिलबर को यहाँ से परफ्यूम गिफ्ट करना है, यहाँ से ड्रेस गिफ्ट कर देना इंशाल्लाह, बस तुम्हारी शॉपिंग हो गई, काम हो गया, हाँ
आपको कैसी लगी ये एम्प्रेस मार्केट? मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे हर चीज़ बहुत प्यारी है। अच्छी है ना? यहाँ पे बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट भी है, ये कुछ बर्तन भी हैं तो उन्होंने रखे हुए हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आई, लेकिन इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यहाँ मैं भी आ जाए थे। आपका दिल खुश हुआ? हाँ जी। ये जादू वाली गुड़िया ली है मैंने, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, मैंने कहा अपने साथ रखूँ। एक ये मैंने छोटा सा बैग लिया है, मेरे पास एक्सेसरीज ज़्यादा होती हैं वो डालने के लिए बस। और एक हमने ज़ेब्रा लिया है ये दुआ के लिए, और ये भी दुआ के लिए। नहीं, एक मीर के लिए था, एक दुआ का था। नहीं बोलो यहाँ पे ना, ये देखो अल्लाह, यहाँ पे हर चीज़ ना सच में बहुत रीज़नेबल है। यकीन करें, मैंने रेट पूछे हैं, कोई 50 बता रहा है, कोई 100। मैंने वैसे पहली दफ़ा ही ऐसी चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये सारी यूज़ की भी नहीं है, ये जैसे टॉयज़ हो गए। ये भी 100-150 सही। ये सामने पपकारी का सामान स्टार्ट हो गया, बहुत प्यारी शॉप्स उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अच्छा, ये टॉयज़ कितने हैं खूबसूरत, ये टॉयज़ बहुत प्यारे हैं यार, ये ब्राउन वाला कितना प्यारा है, सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। चलें जी, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, सदर से जा रहे हैं घर, सदर से जा रहे हैं घर। दिलबर डेली बोल रहे थे कि आपको ये दिखाना है, तो फाइनली आज इन्होंने मुझे दिखाया। हाँ, यहाँ जी सामने जी कायदे आजम की मज़ार है, 7 किलोमीटर, हाँ 5 मिनट की दूरी पे। यहाँ से हम अपना अफ्तारी का सामान ले रहे हैं माशाल्लाह, ताज़ा भाई बना भी रहे हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं। हाँ, फ्रेश बन रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रोज़े के साथ तो हर चीज़ अच्छी लगती है। यह फ्रूट कुछ छापे से लेंगे माशाल्लाह से, फ्रूट भी ताज़ा है। फ्रूट की दुकान है, मैं तुम देख रहे, ये बस स्टॉप है सदर का। अच्छा, ये कोई बस स्टॉप है सदर का ना। ये देखिए बड़े फ्रेश पड़े हैं माशाल्लाह। आप चेक करें, जामा मस्जिद बहुत वसी है, बहुत खूबसूरत है, वेदर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए काफ़ी बड़ी है, ये बड़े साइज के समोसे हैं माशाल्लाह। हम ये टिक्की ले रहे हैं आज, क्योंकि मुझे टिक्की और नान बहुत पसंद है। अभी हम बहावलपुर पहुंच गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे उसका नाम भूल गया है, ये रेस्टोरेंट बंद हो गया, बना ये चला था, बहुत अच्छा चला था। ये भी कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन हमारे बहावलपुर में वहाँ न्यू बना है, हमारे बहावलपुर में ये न्यू है। और ये है जी रेलवे स्टेशन, इंशाल्लाह जल्दी यहाँ आएंगे। आज का ब्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतनी नज़दीक से इतने सारे परिंदे वगैरह देखे, तो मेरे साथ आप लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह, और आई होप कि आपको भी व्लॉग पसंद आएगा। और इसके अलावा 2-3 बातें हैं, सबसे पहली बात यह है कि मुझे दिलबर से रिलेटेड बात करनी है, कि दिलबर के साथ उम्मीद और जो बातें भी चल रही हैं आप सब जानते हैं। सीधी सी बात है कि वो मेरा शौहर है, मैंने उसके साथ ही आना जाना है, कराची में मेरा उसके सिवा कौन है, मैंने उसके साथ ही रहना है ना। लेकिन फिर भी वो सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक वो अपनी फैमिली के साथ ही होते हैं, ठीक है। उसमें से वो अफ्तारी के टाइम आते हैं, ज़ाहरी सी बात है मैं इंसान हूँ, हमें भी खाना पीना है, सुबह रोज़ा भी रखना होता है, अफ्तार भी करना होता है। अब इस मौजू पे या इस टॉपिक पे या इस टाइम के लिए तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग भी मुसलमान होंगे, आपके अंदर भी इंसानियत होगी कि जी जो हम रोज़े के लिए हमें खाना भी पकाना पड़ता है और बाहर से भी कुछ लेना पड़ता है, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो जिस टाइम, अच्छा रात को वो आते हैं और सुबह जिस टाइम उनकी आंख खुलती है वो अपने घर चले जाते हैं, अगर उस दौरान भी घर से कोई कॉल आ जाए या कोई ज़रूरी काम हो या बच्चे की कोई तबीयत का इशू हो, फिर भी वो चले जाते हैं, मैंने कभी उनको नहीं रोका और ना ही वो मेरे कहने से रुक सकते हैं,
ठीक है, इसलिए कि जो चीज़ें कैमरे पे आपको नज़र आ रही हैं उनसे ज़्यादा जो कैमरे पे नज़र नहीं आ रही आप उन पर फोकस करें तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी आप लोगों को हमारी समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को इतना ही शौक़ है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का, आप लोग जो समझ रहे हैं मैं जिधर हूँ, कहाँ हूँ, किस घर हूँ, आप वैसा ही सोच लें, आप मुझे वैसा ही समझ लें, आप मुझे उधर ही समझ लें, ठीक है। तो मैं अब इस चीज़ की सफाई नहीं दूंगी, ना मैंने कभी इस टॉपिक पे बात की है, ना मुझे करनी है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इसके अलावा खैर डेली बेस पे कोई ना कोई नया स्यापा गले डाल देते हैं मेरे, तो मुझे भी बहुत सी बातें आती हैं। हर किसी के पास सब कुछ होता है, हर चीज़ ही होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि इंसान कहता है कि मुझे अपने रिश्ते बचाने हैं, रिश्ते के अलावा कि मैं जिस इंसान से जुड़ा हूँ क्या उसको तो मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ें दरगुजर कर रही हूँ। वरना हर किसी के पास ज़ुबान है तो बहुत से रिएक्शन चैनल्स वाले जैसे बोलते हैं ना कि, बल्कि रिएक्शन वालों को छोड़ो, उसके अलावा जो भी हैं वो लोग ये बोलते हैं ना कि जी हमारा चैनल है, हमारा पैनल है, हम जो भी करें हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो भी जहरी सी बात है, ये जो कैमरा है या चैनल है इस पर मैं भी, मेरा भी जो दिल चाहेगा मैं बोल सकती हूँ। काइंडली मेरी फैमिली को और मुझे इससे ज़्यादा जलील ना किया जाए, फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। आज मैं बड़े प्यार से और बड़ी खामोशी से और इज़्ज़त के साथ बोल रही हूँ, तो इसके बाद फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये मैं सबके लिए मैसेज दे रही हूँ, तो पहले आप अपने घरों में झांक लें, फिर उसके बाद आप आकर बात करें। तो मिलूँगी कल आपके साथ एक अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।